सैफी वाइस के मोजि नाजरन को असलम उसामा बिन लादिन 10 मार्च उन्नीस सौ सतावन को सऊदी अरब के दर्कूमत रियाज में पैदा हुए उसामा बिन लादन का मकमल नाम उसामामामा बिन मोहम्मद बिन और बिन लादिन अमरीका के दहशत गर्दों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है उसामा बिन लादिन का तल्लु सऊदी अरब के मशहूर रईस ख़ानदान लादिन फैमिली से था उसामा बिन लादिन मोहम्मद बिन और बिन लादिन के साहबजादे जो फैसल शाह के खास दोस्तों में शुमार किए जाते थे लादन का कारोबार पूरे मशरक वस्ती में फैला हुआ था उसामा के बकौल उनके वालद ने इमाम महदी मेहदी आसलम की मदद के लिए करोड़ों डॉलर एक फ़ंड कम किया था और वह सारी जिंदगी इमाम महदी का इंतज़ाम करते रहे एक इंटरव्यू में उसामा बिन लादन ने अपने वालद के बारे में बताते हुए कहा कि शाह फैसल दो ही अफराद की मौत पर रोए थे इन दो में एक मेरे वालिद मोहम्मद बिन लादिन थे और दूसरे वजीर अजम पाकिस्तान जोल्फ़ुख़ार अली भुटू थे उस बिन लादिन ने इब्तदाई तलीम सऊदी अरब से हासिल की बाज़ अज़म उन्होंने रियाज़ की किंगज़ीज़ यूनिवर्सिटी से एम बी एसामा बिन नादिन के बारे में बाज़ मग़रबी साफियों का माना है कि उन्होंने लंदन की किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी ताहम उसामा बिन लादिन के करीबी हल्के से सोच की नफ़ी करती है उसामा बिन लादन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हमेशा इस्लामी और 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 नबी इसे अकीदत रही है इनकी शाहफाद के अदवार में दोनों मकाम की तमीर किया था उसामा बिन लादन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाती तौर पर इस मंसूबे में दिलचस्पी ली और मुख्त तो मनसूबे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराए उसामा बिन लादिन को मजहबी रुझान उनके वालिद मोहम्मद बिन लादिन से वरसत में मिलता था उसामा बिन लादेन और उनका ख़ानदान सऊदी अरब के आम लोगों की तरह अहमद बिन हम्बल के मुनाबे से मुतासर और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के शलफ सहलिन को इस अहिल इस्लाम समझते थे शुरू में उन्होंने एक अरब शहजादे की जिंदगी सी गुजारी मगर वक्त के साथ साथ इनके अंदर तब्दीलियाँ आईं उन्नीस सौ उनासी में अफगानिस्तान पर सवियत यून की जारियात की खबर उन्होंने रेडियो से सुनी इब्तदा में उन्होंने अफगान जहदीन की माली मामत की मगर कुछ अरसे बाद वो खुद अपने तमाम दौलत और बगैर तो कब्जा किया तो सऊदी अरब ने अपना दिफा अमरीका के हवाले कर दिया काबिल कबूल न था उन्नीस सौ इक्यावे में सोडान चला गया जहां एक सौ मजहबीब के एक ही इस्लामी रियासत कैम करने का सिलसिला जारी था और इस नई हकूमत पर बेशुमाराबंदियां थीं लिहाजा उन्होंने उसमा बिन लादन के पैसे को खूब इस्तेमाल किया इस पैसे को मुल्क की मशत की बेहतरी करने के लिए इस्तेमाल किया और बदले में उसमा बिन को ज़री जमीन लेज़ पर दी जाती रही उन्नीस सौ बयानवे में अलकायदा ने मुसलमान ममालिक में अपने हमलों की इब्तदा की जब यमन के शहर शहरादान के एक होटल में एक धमाका हुआ और अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की इस होटल में कुछ अमेरिकी फ़ौजी ठहरे हुए थे जो आगे सोमालिया में अमन व के लिए जाने वाले थे इस हमले में कोई अमरीकी फौजी नहीं मारा अलबत्त आस्ट्रेलियाई सियाह लकमा अजल हो गए थे इस धमाके के बाद अलकायदा एक मतशद बन मिसाल के तौर पर उन्नीस सौ तिरानवे में मूदगा में अठारह अमेरिकी फौजी कत्ल करने वाले शुमाली बाग़ियों को ट्रेनिंग अलकायदा ने ही फराम की थी उन्नीस सौ तिरानवे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले हमले और उन्नीस सौ पंचानवे में हंसी मुबारक पर होने वाले कातलाना हमले में भी अलकायदा के मुलवेश होने के शवायद मिले थे उन्नीस सौ पंचानवे में रियाज में अमेरिकी नेशनल गार्ड की ट्रेनिंग सेंटर बाम धमाका क्या गया और फिर उन्नीस सौ छियानवे में अजराहन पर वाकई खुरबार टावर्स जहाँ अमेरिकी फ़ौजी रह रहे थे को तबाह कर दिया गया था साथियों को कहा कि टी वी चला कर देखें कुछ ही देर बाद हमले की इतलात आने लगी जिस दौरान हमले किए जा रहे थे उसामा अपनी मिट्टी से एक एक कार की उंगलियाँ खोलता जा रहा था पहले जहाज के टकराने पर पहले उंगली दूसरे जहाज़ के टकराने पर दूसरी उंगली फिर पिंटीना गोन्द पर हमले की खबर उसने तीसरी उंगली खोली और चौथी उंगली खोलने के लिए बहुत देर तक तैयार बैठा रहा लेकिन इसकी ये हसरत तमाम रह गई चौथा जहाज जो वाशिंगटन डीसी में की तरफ जा रहा था इसमें मौजूद हाई जैकर्स पर मुसाफिर गालिब आ गए और ये जहाज पेंसुलिया के एक खेत में जा गिरा इन हमलों में उन्नीस सौ सतर अफराद हलाक और पच्चीस हज़ार से ज्यादा जख्मी हुए जब दो मई दो हज़ार ग्यारह को अमेरिकी खसूसी अफवाज के एक दस्ते ने सूबा खैबर पख्तूखा के शहर एप्टाबाद में दुनिया के सबसे मतलूब शख्स उसमा बिन लादिन, इनके करीबी साथी अबू अहमद अलकवीती और दीगर तीन अफराद के खिलाफ रात गए कार्रवाई की तो इस वक्त जैन बाबा अपने घंधे में सो रहे थे कि आखिरकार दो मई दो हज़ार ग्यारह को अमेरिकी फौजी दस्तर ने हमला करके उसामा बिन लादन को हलाक कर दिया जी तो दोस्तों आज की यही थी छोटी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह निगाबान